ज़्यादातर गेमिंग चैनल्स पे लाइव स्ट्रीम के दौरान हम लोगों ने देखा है कि जब भी एक नया सब्सक्राइबर उन लोगों को मिलता है या एक सुपर चैट आती है, तो जिसने सब्सक्राइब किया है, जिसने सुपर चैट किया है, उसका नाम डिस्प्ले होता है, एक अच्छा सा मैसेज आता है, एक साउंड होती है उसके पीछे, और ये अमाउंट आता है कितना उसने सुपर चैट किया है, क्या उसका मैसेज है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपनी लाइव स्ट्रीम में फीचर्स कैसे ऐड कर सकते हैं अगर आप OBS स्टूडियो का इस्तेमाल करके स्ट्रीम करते हैं। तो बहुत सारे हमारे भाई लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल साबित होने वाला है। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ज़बरदस्त, जिंदाबाद, हमेशा की तरह। वेलकम टू ब्लडी हिल गेमिंग। तो इस पर्टिकुलर फीचर को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे वेबसाइट पे streamlabs.com और उस पे अपने उस gmail ID से लॉगिन करेंगे जिस gmail ID से हमारा YouTube चैनल है। तो चलते हैं वेब ब्राउज़र पे। मैं खोलता हूँ क्रोम, और क्रोम खोल के मैंने तो यहाँ पर टैब बनाया हुआ है streamlabs का। आप चाहें तो सीधे streamlabs.com टाइप करें और आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोगों को करना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद ये हमसे पूछेगा YouTube प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोगों को स्ट्रीम करना है, ऑब्वियसली YouTube पे क्लिक करते हैं। और इसके बाद हम लोगों से अकाउंट पूछा जाएगा कि कौन से अकाउंट से लॉगिन करना है। आप जिस भी अकाउंट से जहां से आपका चैनल बना है उस पे लॉगिन करें, और उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे स्ट्रीम लैब्स के डैशबोर्ड पे। पहले कुछ परमिशंस मांगेगा, इसको अलाउ करना है उसको। ओके, तो अभी हम लोगों से पूछा जा रहा है कि हमारे पास PayPal या कोई और अकाउंट है, तो हम लोग इसको स्किप करते हैं, कोई फिलहाल नहीं डाल रहे हैं हम लोग OBS Streamlabs OBS में नहीं डाउनलोड करने वाले हैं, इसको भी स्किप करते हैं। और प्राइम की भी हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फिनिश करते हैं इसको, और हम लोग लैंड हो गए इस पेज पे। अब सारा काम हम लोगों को इस पेज पे ही करना है। तो भाई लोग, इस पेज पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जो विंडो के लेफ्ट साइड में मेन्यू है उसमें ऊपर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है फीचर्स में, अलर्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करते हैं। क्योंकि ये सारे अलर्ट्स ही हैं जो हम लोगों को चूज़ कर रहे हैं, सब्सक्राइबर अलर्ट है, या सुपर चैट आ रही है उसका अलर्ट है, या कोई मेंबर आपके चैनल को ज्वाइन कर रहा है उसका अलर्ट है। सब्सक्राइबर अलर्ट हमको चाहिए, मेंबर्स अलर्ट चाहिए, इसके अलावा सुपर चैट्स के लिए हम लोग को अलर्ट चाहिए। मर्च हम लोगों को नहीं बेचना है, क्लाउड बॉट हम लोगों ने कन्फिगर नहीं किया है, और स्ट्रीम लैब्स प्राइम हम लोगों ने नहीं लिया, तो इसको सबको अनचेक कर देंगे। इसके बाद नीचे है विजिट URL। देखिए, विजिट URL जो है ये भी एक बड़ी कॉन्फिडेंशियल की होती है, इसको हम लोगों को शेयर नहीं करना है किसी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे आप आएंगे तो देखेंगे कि ये अलग अलग सारे टैब्स बने हुए हैं, जनरल सेटिंग्स है, डोनेशंस है, सब्सक्राइबर्स हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं सब्सक्राइबर में, उसको कॉन्फिगर करते हैं, क्लिक करते हैं इसको, और ऊपर देखिए सब्सक्राइबर अलर्ट जो है उस पर आ रहा है इनेबल्ड, हम लोगों ने इसे इनेबल किया हुआ है। और लेआउट क्या है इसका, ऊपर कोई एक पिक्चर आएगी जो भी आप चाहेंगे, आप चाहें तो जो स्ट्रीम लैब्स की अपनी स्टॉक हैं वो ले सकते हैं, चाहे तो अपनी कोई जिफ है, कोई इमोजी अपना, या कोई आपकी पंच लाइन है जो आप अक्सर स्ट्रीम पे बोलते हैं, तो उसका छोटा सा एक जिफ बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अपनी फाइल को भी। तो ऊपर एक फाइल आए जिफ फाइल, और नीचे टेक्स्ट आए, या फिर खाली टेक्स्ट आए, और या फिर एक तरफ जिफ फाइल आए दूसरी तरफ आपका टेक्स्ट आए, तो आप चूज़ कर सकते हैं जो चाहें इसमें। मैं फ़िलहाल ये थर्ड वाला चूज़ कर लेता हूँ कि एक तरफ इमेज आए और सामने उसके लिखा है जो भी। तीसरा है अलर्ट एनिमेशन फेड इन फेड आउट, मतलब धीरे से वो अपीयर होगा स्क्रीन पर और धीरे से गायब भी हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे हैं, ऊपर से स्लाइड इन करें तो ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं इनको फिलहाल फेड इन फेड आउट ही छोड़ रहा हूँ। मैसेज क्या डिस्प्ले हो जब भी सब्सक्राइबर कोई आए, नाम सब्सक्राइबर का जस्ट सब्सक्राइब्ड। इसके अलावा आप चाहें तो क्लिक करके इसको जो चाहें वो टाइप कर सकते हैं। और इसके नीचे है टेक्स्ट एनिमेशन, जो टेक्स्ट लिखा है उस पर क्या एनिमेशन हो, तो ये अभी हम लोग देखेंगे, पहले पूरा कन्फिगर कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि एनिमेशन कैसे कैसे हैं। फिलहाल मैं इसको विगल रहने देता हूँ। और उसके नीचे इमेज, कौन सी इमेज आपको चूज़ करनी है, ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है डिफ़ॉल्ट इमेज है, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे चेंज मीडिया। ऊपर आप देखें कि ऊपर ऑप्शन आ रहा है माई अपलोड्स, यानी कि आप लोगों चाहें अगर तो फाइल कोई अपलोड करना यहाँ पर कर सकते हैं। और नीचे आ रहा है स्टॉक, तो स्टॉक में हम लोग चूज़ करते हैं इमेजेस को, और ये सारी इमेजेस हैं जिनसे हम लोग चूज़ कर सकते हैं कि अगर वो पर्टिकुलर हम लोगों को इमेज नहीं चाहिए तो इनमें से कोई चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चूज़ कर लेता हूँ स्टार को, और स्टार को कॉपी करने के बाद नीचे हम लोग आते हैं यहाँ पे सेलेक्ट, क्लिक कर देते हैं सेलेक्ट पे, तो ये स्टार सेलेक्ट हो गया। इसके बाद नीचे है साउंड default.ogg, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग साउंड्स हैं जो आप चाहें प्ले करके सुने, और जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पे चूज़ कर लें। तो यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं चेंज मीडिया पे, आप चाहें तो अपनी कोई फाइल छोटी सी काट के जो डाल सकते हैं, या फिर ये है कि जो इनकी अपनी साउंड है उन लाइब्रेरी में सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी चाहें। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे भी ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ये सब चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं खुद। और यहाँ पे साउंड का वॉल्यूम, अलर्ट का वॉल्यूम कितना रहे, आप एक दो बार टेस्ट कर लें और उसके बाद देखें कि क्या सही रहेगा, थोड़ा बढ़ाना घटाना है तो उसे बड़ा घटा लें। अलर्ट ड्यूरेशन 8 सेकंड के लिए रहेगा, आप चाहें तो कम कर लें, 5 सेकंड कर लें इसको, या बढ़ा दें। इसके अलावा बाकी नीचे ऐसे रहने देना है, और ये बटन आपको ज़रूर प्रेस कर लेना है सेव सेटिंग्स वाला, इसको क्लिक करते हैं सेव सेटिंग्स,
दो छोटे छोटे फैक्टर यहाँ पे और ध्यान देने वाले हैं। अगर आप चाहें कि जो फॉन्ट डिस्प्ले हो रहा है आप उसमें कुछ चेंज चाहते हैं, उसके कलर में चेंज चाहते हैं, तो नीचे है ओपन फॉन्ट सेटिंग्स। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल नहीं कर सकता हूँ, वो भी आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। तो इसको अगर मैं खोलता हूँ तो ये पूरे ऑप्शंस हैं आपके पास। आप चाहें तो यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे आप चाहें फॉन्ट का साइज़ घटा बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे जो दो अलग अलग कलर्स हैं फॉन्ट के उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। एक चीज़ और ये कि जब भी कोई नया सब्सक्राइबर आता है आपके चैनल पे, वो सब्सक्राइब करता है, तो बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जिनका नाम डिस्प्ले नहीं होता है। तो ऐसा इस वजह से हुआ है जस्ट बिकॉज़ कि उन्होंने अपने गूगल जो अकाउंट है उसमें सेटिंग्स में चूज़ किया है कि पब्लिकली उनका नाम डिस्प्ले नहीं हो किसी भी पब्लिक एक्टिविटी में, तो ये उनके एंड से है, वो हमारे एंड से नहीं है। तो भाई लोग अब जल्दी से बात कर लेते हैं सुपर चैट्स की। तो इसके लिए दोबारा स्क्रॉल करते हैं ऊपर, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ सब्सक्राइबर्स की जगह सुपर चैट को। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कस्टमाइज़ हम लोगों को करना है। सुपर चैट अलर्ट्स एनेबल है। यहाँ पे भी मैं ऐसे ही लूँगा कि एक तरफ कोई भी ग्राफिक जो मैं चुनूँ वो आए और दूसरी तरफ मैसेज आए। एनिमेशन वही फेड इन फेड आउट। टेक्स्ट टू स्पीच आप चाहें तो कर सकते हैं कि जो भी मैसेज आए वो एक ऑटोमेटेड तरीके से पढ़ा जाए, पीछे से ही कोई, जैसे हम लोग कंप्यूटर जैसी एक वॉइस होती है जो पढ़ देती है पूरा मैसेज। तो नॉर्मली अगर इसे ऑफ रखें तो ही बेहतर रहता है, आप चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं। इसके नीचे है मिनिमम अमाउंट टू अलर्ट, कम से कम कितनी सुपर चैट हो जिसका अलर्ट डिस्प्ले हो। तो इस पर हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं 10 रुपीज़ कर दें इसको, ठीक रहेगा कि मिनिमम 10 रुपीज़ की सुपर चैट हो या 20 की सुपर चैट हो। तो वायलेट से मैं इसको कर देता हूँ 10। और यहाँ पे मैसेज है नेम कि इसने डोनेटेड इतना अमाउंट थ्रू सुपर चैट। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, बस नेम और अमाउंट वाला जो हिस्सा है वो छोड़ दें, बाकी अपना जो मैसेज है उसको चेंज कर सकते हैं जो चाहें। नीचे टेक्स्ट एनिमेशन वही, और वही ग्राफिक्स और वही साउंड। साउंड आप चाहें तो चेंज मीडिया, चेंज मीडिया में जाके स्टॉक फाइल साउंड, और आप कोई भी फाइल, तो ये आवाज़ है, जो चाहें आपको जो ठीक लगे वो सेलेक्ट कर लें। तो मैं इसको ये ले लेता हूँ और इसको कर लेते हैं सेलेक्ट। इतना सेलेक्ट करने के बाद नीचे उतरें तो वही है, बिल्कुल सेम ऑप्शंस हैं जैसे हम लोगों ने सब्सक्राइबर अलर्ट में देखे थे। और नीचे आके हम लोग इसको यहाँ पे भी सेव सेटिंग्स कर देंगे एंड दैट्स इट। बिल्कुल यही प्रोसीजर है मेंबरशिप के लिए, कोई अगर मेंबरशिप ज्वाइन करे तो उसके लिए कैसा अलर्ट आए। अभी हम लोगों को क्या करना है, ऊपर जो विजिट है सबसे ऊपर, इस विजिट को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और OBS में जाके पेस्ट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ आगे कैसे होगा। मैं क्लिक करता हूँ कॉपी पे, और इसके बाद चलते हैं हम लोग OBS में। और ये वो सीन है जहाँ पे हम लोग ब्लड हिल गेमिंग लाइव से लाइव स्ट्रीम करते हैं। तो यहाँ पे जिस भी सीन में आपको वो चाहिए नोटिफिकेशन, तो वहाँ पे जाके हम लोग क्लिक करेंगे, नया सोर्स ऐड करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद फिलहाल आप, मैं ब्राउज़र ही छोड़ रहा हूँ, आप चाहें जो नाम वो दे सकते हैं। यहाँ करते हैं ओके इसको, और यहाँ पे हम लोगों को URL पेस्ट करना है जो वहाँ से हम लोगों ने कॉपी किया। पेस्ट करते हैं इसको डन, और यहाँ पे हम लोग डिटेल दे देंगे कितनी डायमेंशन में आपको अलर्ट बॉक्स चाहिए। मैं यहाँ देता हूँ 900 बाय लेट्स से 300। आप चाहे अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, तो बार ट्रायल ज़रूर करके देख लें। करते हैं इसको ओके, तो ये हमारा बॉक्स आ गया जिस बॉक्स में हमारा जो अलर्ट है वो डिस्प्ले होने वाला। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग जाते हैं वहीं जो स्ट्रीम लैब्स का डैशबोर्ड है, और वहाँ पे हम लोग एक एक करके चेक करते हैं कि हमारा सब्सक्राइबर का जो अलर्ट है और सुपर चैट का अलर्ट जो है वो यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करके देखते हैं पहले टेस्ट सब्सक्राइबर का बटन, वहाँ पे एक साउंड आनी चाहिए और नोटिफिकेशन आना चाहिए अलर्ट बॉक्स में, और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे सुपर चैट। क्लिक करते हैं टेस्ट सब्सक्राइबर, और आप यहाँ देख रहे हैं कि नाम भी आ रहा है अलर्ट बॉक्स में और टेक्स्ट भी डिस्प्ले हो रहा है कि किसने सब्सक्राइब किया है। अब चेक करते हैं एक बार सुपर चैट डोनेशंस को, और आप यहाँ देख रहे हैं कि सुपर चैट नोटिफिकेशन भी आ रहा है। तो इसमें एक चीज़ और बहुत ख़ास ध्यान रखने की है कि ये जो ब्राउज़र सोर्स आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया है OBS में, उसको सोर्सेज में सबसे ऊपर रखिए। ये देखिए ब्राउज़र सोर्स सबसे ऊपर है, अगर आप इसे लेयर्स के नीचे दबा देंगे तो होगा ये कि साउंड तो आएगी लेकिन ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, और हम लोग ये सोचेंगे क्यों मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जब भी ये ब्राउज़र सोर्स यहाँ ला के कॉपी पेस्ट करें तो इस ब्राउज़र सोर्स को लेयर्स में सबसे ऊपर रखें, जिससे कि मैसेज जो है वो विजिबल हो। इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो कोई क्वेरी है, नीचे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करिए, पूछिए हमसे, हम लोग कोशिश करेंगे उसको रिस्पॉन्ड करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और वो घंटा आपको ज़रूर बजा देना है, क्योंकि आपको पता है कि चमत्कार उस घंटे से ही होता है। जब भी नई वीडियो आती है वो घंटा बजता है और आप लोगों को पता लगता है कि वीडियो आ गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।